प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संदीप सिंह चौहान, राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो आपका प्रश्न पत्र है भारतीय राजनीतिक चिंतक, उसके संदर्भ में आज मैं भारत के सामाजिक चेतना के अग्रदूत, सामाजिक पुनर्जागरण, महान समाजसेवी और रिनासा के पैगंबर राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों पर आपसे चर्चा करूंगा। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे और अंग्रेजी के काल में, अंग्रेजों की दासता के काल में उनके विचार भारतीय स्वतंत्रता के लिए, भारत राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के अंदर मौजूद कुरीतियों के लिए, कुप्रथाओं के लिए निश्चित तौर पर युगों युगों तक बहुत सार्थक विचार हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र इन विचारों के बिना प्रगति नहीं कर सकता और ना जनकल्याण कर सकता है। राजा राम मोहन राय जी ने अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण विचार या सिद्धांत दिया, वह था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतिपादन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अग्रदूत के रूप में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय हृदय और मन से उदार थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनका अगाध विश्वास था। उन्होंने पश्चिमी विचारकों जॉन लॉक, ग्रोशियस और टॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया था, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता और सामूहिक मानव कल्याण, जन कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। इसलिए अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने यह आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार तथा शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थक होते हुए भी राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में राजा राम मोहन राय के विचार उदारता से परिपूर्ण थे और वे चाहते थे कि राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। उनके मतानुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं के सुधार के लिए प्रयास करे। फ्रांस की राज्य क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी, उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। इसलिए इस क्रांति के महान मूल्यों का उन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो की तरह राजा राम मोहन राय को स्वतंत्रता के आदर्श से बहुत प्रेम था और वे प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक मूल्य पर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के पोषक थे। स्वतंत्रता, अधिकार, अवसर, न्याय, बंधुत्व आदि राजनीतिक वरदानों को उन्होंने हमेशा सर्वोच्च माना और राज्य को ऐसी दिशा में प्रेरित करने की आकांक्षा व्यक्त की कि व्यक्ति को ये वरदान सुलभ हो सकें। उनके समस्त चिंतन में व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक थे, उसके विरुद्ध नहीं थे। अतः ये स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति तथा राज्य के आपसी संबंध के संदर्भ में
उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में आदर्शवादिता और व्यवहारिकता का समन्वय है। वे प्रायः राष्ट्रीय मुक्ति के यानी कि स्वतंत्रता के आदर्श की भी चर्चा किया करते थे। अगस्त 1821 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता जर्नल नामक पत्रिका के संपादक जे एस बकिंगहम को एक पत्र लिखा और विश्वास व्यक्त किया कि अंततः यूरोपियन राष्ट्र और एशियाई उपनिवेश निश्चय ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे। वस्तुतः उन्हें न केवल भारत वरन विश्व के सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता के प्रति गहरी सहानुभूति थी। उन्हें यूनानियों और नेपल्स वासियों की स्वतंत्रता की मांग से सहानुभूति थी। इसलिए जब सन 1820 में नेपल्स में स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना हो गई तो राजा राम मोहन राय को बहुत दुख हुआ था। फ्रांस की 1830 की क्रांति से उनके हृदय को बड़ी प्रसन्नता हुई और चार्ल्स दशम के शासन के उन्मूलन से राय को विशेष संतोष हुआ। 1821 में जब राजा फर्डिनांड को विवश होकर एक संविधान देना पड़ा तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने जनता को व्यक्तियों को एक सार्वजनिक भोज दिया था। राजा राम मोहन राय के लिए उनके चिंतन में दूसरा सबसे बड़ा जो बिंदु है वह है प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता का पक्षधर होना। राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में से एक थे और मिल्टन की भांति उनका विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया यानी कि जो न्यूज़पेपर आते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया, तब राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर और चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को याचिका भेजी थी। प्रेस की या मीडिया की स्वतंत्रता के लिए गए इस कार्य में राजा राम मोहन राय का मुख्य हाथ था। जब याचिका स्वीकृत कर दी गई तब सपरिषद सम्राट के पास अपील की गई और अपील में इस बात पर बल दिया गया था कि स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया है। इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगते हैं तो जनता का संतोष चरम अवस्था तक पहुंचकर क्रांति को जन्म दे देता है। राजा राम मोहन राय का यह विचार था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती वह समाज किसी भी प्रकार उन्नति के यानी कि प्रगति के निश्चित पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों में जो अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है वह है न्यायिक व्यवस्था के स्वरूप के समर्थक। उचित न्यायिक व्यवस्था, समुचित न्यायिक व्यवस्था के स्वरूप के समर्थक। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त किए और भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया था। राजा राम मोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इस प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में जूरी के प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए यह व्यवस्था की गई कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकेंगे, निर्णय नहीं दे सकेंगे। 17 अगस्त 1829 को इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की गई। इस कार्य में राजा राम मोहन राय की विशेष भूमिका थी। कुल मिलाकर उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को जनोन्मुखी
बनाने के लिए प्रयास किए और काफ़ी हद तक उनके प्रयासों से उस समय सफलता भी प्राप्त हुई थी। उनके राजनीतिक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय बिंदु है वह है प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप को और उसमें सुधारों के समर्थक के रूप में उनकी भूमिका। 1833 में लोक सदन मीन्स ब्रिटेन का लोक सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स, उसकी प्रवर समिति के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राजा राम मोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश भी की थी और वो सिफारिशें थीं देशी लोक सेना की स्थापना, देशवासियों को यानी कि भारतवासियों को अधिक नौकरियां और ऊंचे पद देना, रैयत की दशा में सुधार, रैयत मतलब जनता की दशा में सुधार तथा उसकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण और स्थायी भूमि प्रबंध, जो भू सुधारों की बात थी उससे संबंधित ही सारी बातें थीं। डॉक्टर बीपी वर्मा ने लिखा है कि वे भारतीय सभ्यता के रैयत वाली कृषि प्रधान देहाती आधार को अक्षुण्ण यानी कि कंटिन्यू रखने के, उसे बनाए रखने के पक्ष में थे। राजा राम मोहन राय लोक सेवाओं में अपरिपक्व जो मैं नॉन मैच्योर पर्सन्स होते हैं उनकी नियुक्ति के खिलाफ थे, इसलिए उनका सुझाव था कि एक प्रसंविदाबद्ध कन्वेंटेड सेवाओं में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था और सेवाओं के प्रसंग में उनका सबसे प्रमुख सुझाव था कि यदि ब्रिटिश सरकार चाहे कि भारतवासी सरकार के प्रति आस्थावान हों तो भारतीयों की योग्यता और शिक्षा के अनुसार उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना पड़ेगा, देशवासियों की उनकी योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान देना पड़ेगा। उनके राजनीतिक विचारों में अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो चाहते थे राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधारों पर बल। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजनीति, कानून और समाज सुधार के आपसी संबंध पर उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से भी प्रयास किए जाने चाहिए। उनके प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा निषेध कानून यानी कि सती प्रथा के उन्मूलन का कानून बना था। वे महिला पुरुष की समानता और महिला उद्धार या नारी उद्धार के समर्थक थे और तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में महिला वर्ग की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता अनुभव करते थे। राजा राम मोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक थे। उनके राजनीतिक चिंतन में या राजनीतिक विचारों में जो अगला बिंदु है जो सबसे महत्वपूर्ण है, मानवतावाद और विश्व बंधुत्व की भावना के पक्षधर। भारतीय समाज आदिकाल से वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर जोर देता रहा है और इसीलिए राजा राम मोहन राय भी मानवतावाद के समर्थक थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक यानी कि सारे वर्ल्ड की एक सिटीजनशिप होनी चाहिए और विश्व बंधुत्व संपूर्ण दुनिया में एक प्रेम होना चाहिए, इस धारणा के वह समर्थक थे। राजा राम मोहन राय बंधन मुक्त हो चुके थे इसलिए उन्हें सार्वभौमिकता में विश्वास था और जब सार्वभौमिकता का विश्वास राष्ट्रवाद नहीं बल्कि मानववाद होता है, इसलिए वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। बेंथम राजा राम मोहन राय के सार्वभौमवाद और मानववाद की प्रशंसा किया करता था। बेंथम जो कि एक विश्व के अंदर ब्रिटेन का
महान उपयोगितावादी विचारक हुआ है। राजा राम मोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिससे दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राजा राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रवाद बहुत उच्च स्तर का था। वे ईश्वर से जो प्रार्थना करते थे उसमें भी अंतर्राष्ट्रवाद झलकता था। उनका विचार था कि परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदों और घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता तथा शांति का प्रेरक हो। राजा राम मोहन राय के चिंतन के समन्वयवादी और उदारवादी पक्षों का उल्लेख करते हुए विपिन चंद्र पाल ने लिखा था कि समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तादात्म्य राजा राम मोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है। निश्चित तौर पर भारत में चाहे समाज सुधारों की बात हो, चाहे राजनीतिक सुधारों की बात हो, प्रशासनिक सुधारों की बात हो, न्याय की बात हो, कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष हो और शासन और उसके विधानों के माध्यम से एक नए समाज की स्थापना का प्रयास हो, उनका अप्रतिम योगदान इस दिशा में रहा है। आपको इस संदर्भ में जो भी टिप्पणी करनी हो वह आप सोशल मीडिया की किसी भी साइट पर जाके करें। आप लाइक ना करें बल्कि कमेंट करें, ऐसी मेरी भावना है। लाइक से कोई लाभ नहीं होने वाला है, आपके कमेंट से, आपकी क्वेरी से, आपकी जिज्ञासा से हम निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे और आपकी जो भी जिज्ञासा होगी उसके समाधान का प्रयास करने का पूरा पूरा हम मादा रखेंगे। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जब अवकाश के मौके आएंगे तो हम इसको जो स्मरणीय बिंदु होते हैं व्याख्यान के, उनको लिखित तौर पर भी प्रेषित कर रहे हैं और ताकि आपके स्मरण में ये सारी बातें रह सकें। व्याख्यान से ये सारी बातें संभवतः नहीं रह पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।